सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाया गया। सोनीपत आईटीआई चौक के पास स्थित नगर निगम की जमीन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा चार दीवारी कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर और भारी पुलिस बल की तैनाती में अवैध निर्माण को तोड़कर दोबारा निगम ने कब्जा ले लिया है। आपको बता दें कि सोनीपत नगर निगम की 2 एकड़ के करीब जमीन आईटीआई चौक के पास कुछ लोगों द्वारा चार दीवारी की गई थी। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने व्यक्तियों को नोटिस भेजे और जमीन खाली करने के आदेश दिए, लेकिन जमीन को खाली नहीं करवाया गया, जिसके बाद सोनीपत नगर निगम अधिकारियों द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद काफी देर तक अधिकारियों के साथ नोकझोंक हुई और उसके बाद अधिकारियों ने जेसीबी की सहायता से चार दीवारी को तोड़ दिया और दोबारा निगम ने अपनी जमीन पर कब्जा लिया। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये आज पिछले शुक्रवार को हमारे पास मैसेज आया था कि नगर निगम की ये जमीन पड़ी है यहाँ पे खाली काफी साल से, तो यहाँ पे एक इलीगल बाउंड्री उसके ऊपर किसी ने बना ली थी, उसको नोटिस दिया गया। नोटिस देके उसको कहा गया, सुनवाई का टाइम दिया गया था कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास है तो लेके आओ कि बनाई कैसे। उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो हमने ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेके और ये हमने आज हमारी जमीन खाली करवाई। कब्जा दे लिया सर, कितनी आइडिया जमीन है? ये करीब करीब हमारी 2 एकड़ के करीब जमीन है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, लेकिन ये इधर बाउंड्री वॉल एक साइड इधर बना ली थी और दूसरी साइड बना ली थी बिना किसी डिमार्केशन के, बिना किसी हमारी परमिशन के, मलकियत नगर निगम की है इसकी, तो ये हमने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी वो हटवाई है।